हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं आदर्श शुक्ला यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के यूज़र्स हो तो आपके फ़ोन में गाइस DCIM नाम की फाइल हमेशा क्यों क्रिएट हो जाती है और इसका यूज क्या है, इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए चैनल एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस, अगर आप फोटो क्लिक करते हो या फिर कुछ भी करते हो तो उसकी गाइस जो फोटोज़ की गाइस फोटोज होती है और वीडियोस होती है वो सारी जो जाके DCIM फोल्डर में जाके सेव हो जाती है। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप कुछ डाउनलोड करते हो तो जाके वो डाउनलोड फोल्डर में सेव होता है। अगर आप यूसी ब्राउजर से थ्रू कुछ डाउनलोड करते हो तो यूसी ब्राउजर के फोल्डर में ही जाके वो डाउनलोड होता है। तो उसी तरह की इसका भी प्रोसेस है। यस गाइस, ये फर्स्ट वाला आता है DCIM। DCIM का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कैमरा इमेज। तो गाइस, इसे प्रोसेसिंग DCS से होता है, यानी डिजिटल कैमरा सेंसर। तो जब अगर जापान की कंपनी ने गाइस उन्होंने इसे क्रिएट किया था और उन्होंने बताया था कि जैसे कि बहुत सारे फोल्डर अलग अलग होता है, JPG PNG गाइस बहुत सारे प्रोसेस होती है। आपको क्या लगता है कि आपने फोटो क्लिक किया तुरंत आपके सामने आ जाती है, एक सेकेंड भी नहीं लगता है। लेकिन गाइस, इसके बहुत सारे प्रोसेस होती है, फोटो क्लिक करने का सब तरीका अलग अलग होता है, उसके बाद सेव होने का तरीका भी अलग होता है। तो जिन्होंने जापानी कंपनी ने गाइस जो एक क्रिएट किया था तो उन्होंने गाइस एक नियम बनाया था, जैसे कि कुछ होता है तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो उन्होंने गाइस एक कानून नियम बनाया था कि अगर आप डिजिटल कैमरा के थ्रू अगर आप फोटो क्लिक करते हो, आपने इसमें फोटो क्लिक किया फिर कैमरा में फोटो क्लिक किया, जो डिजिटल कैमरा आता है वो दोनों में गाइस अगर आप फोटो क्लिक करते हो तो DCIM फाइल नाम का गाइस फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर आपकी जो सारी फोटोज और वीडियोस सेव हो जाएंगी। यस गाइस, ये इसी तरह से वर्क ही करता है। इसके लिए गाइस आपने हमेशा देखा होगा DCIM यानी डिजिटल कैमरा इमेज नाम की जो फोल्डर हमेशा क्रिएट हो जाएगी अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के यूजर्स हो। फिर iOS के यूजर्स हो, iOS में भी गाइस अगर फाइल मैनेजर कर तो गाइस शायद आई थिंक उसमें होता नहीं है, उसमें गाइस सही डिटेल्स नहीं देता, लेकिन गाइस उसमें भी DCIM नाम की फाइल क्रिएट हो जाती है। जिसमें अगर आप कैमरा का यूज कर रहे हो उसमें गाइस DCIM नाम की फोल्डर क्रिएट होगा ही होगा। तो अगर गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा। और गाइस, मैंने ऐसे दो वीडियो और क्रिएट किए हुए हैं कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के यूजर्स हो तो एंड्रॉयड नाम की जो फाइल होती है और लॉस्ट रूट डायर नाम की जो फाइल होती है गाइस, उस पर मैंने वीडियो क्रिएट किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो देख चुके तो गाइस वो वीडियो को देखना मत भूलेगा। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दीजिए चैनल एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।